नमस्कार खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर पुलिस ने 2 जुलाई को हुई लूट की एक वारदात का खुलासा कर दिया है और खुलासा करते ही ये साबित हुआ है कि लूट की पूरी कहानी फर्जी थी। छतरपुर में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले कैशियर नीलेंद्र खरे ने खुद इस लूट की कहानी को रचा था और लूट के पैसे जो कि गायब होने की बात कही जा रही थी, उन पैसों का इस्तेमाल उसने अपने आईपीएल सट्टे के कर्ज को चुकाने में किया था। आपको पूरी कहानी बताते हैं। 2 जुलाई को छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में नीलेंद्र खरे ने बाइक पर जाते वक्त 3 लोगों के द्वारा खुद से लूट की वारदात को अंजाम देने की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने जब इसकी गहराई से तफ्तीश की तो पता लगा कि नीलेंद्र खरे ने खुद ही आईपीएल सट्टे में 11-12 लाख रुपए की हार के बाद ये कहानी रची थी और कंपनी के पैसे जो कि अमानत थे उसमें खयानत की थी। इस मामले की जांच के बाद नीलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 2.5 लाख रुपए उसकी पत्नी से बरामद किए गए हैं। ये कल दोपहर की बात है, इसमें नीलेंद्र खरे नामक व्यक्ति लाके थाना सिमलान में आकर रिपोर्ट की कि उस रात में 8 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी विनायक शुक्ला और उससे पूछताछ की, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसने जो बताया कि 16 लाख रुपए की लूट हुई है। फिर जो जिस बैग को लूटना बता रहा था वो बैग भी उसके पास पाया गया, तो उसमें फिर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। इसमें ये पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा जो स्टार फाइनेंस कंपनी में मुलाजिम है, स्टार ऑटोमोबाइल भी 2 फर्म है उनके यहाँ ये काम करता है, उसका पैसा जमा करने के लिए दिया गया था, उसको इसने अमानत में खयानत करते हुए अपने पास रख लिया और उसका दुरुपयोग किया। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, इसमें उनका धारा में और कुछ पैसे की रिकवरी हुई है और पूछताछ की जा रही है। छतरपुर की तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।